आठ एलपीजी सिलेंडर पर मिल सकती है सब्सिडी। प्रदूषण पर रोक व महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्राकृतिक गैस मंत्रालय की कमेटी की सिफारिश। खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन के प्रोत्साहन और महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सरकार एक बार फिर से एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी शुरू कर सकती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एनर्जी ट्रांजिशन कमेटी की रिपोर्ट में फिर से सालाना 7 से 8 सिलेंडर पर सब्सिडी देने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत अधिक होने से एलपीजी कनेक्शन रखने वालों को 50% से अधिक घरों में जलावन के रूप में किसी न किसी अन्य संसाधन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कमेटी के चेयरमैन एम पूर्व पेट्रोलियम सचिव और वर्तमान में प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर हैं। कमेटी में बाकी के सभी सदस्य पेट्रोलियम कंपनियों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू होने से लेकर सितंबर 2022 तक निम्न आय वर्ग के 9.5 करोड़ घरों को एलपीजी कनेक्शन दिए गए और इस तरह देश के 30 करोड़ घरों में एलपीजी की पहुंच हो गई। इस प्रकार देश के 85% घरों में एलपीजी कनेक्शन दिए गए। लेकिन इस सिलेंडर महंगा होने से वे खाना पकाने के लिए पूरी तरह से एलपीजी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। खाना पकाने के लिए ठोस संसाधनों के प्रयोग से घरों में धुआं प्रदूषण और वायु प्रदूषण के साथ कार्बन उत्सर्जन की बढ़ोतरी होती है। इससे सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कम सिलेंडर खपत होने वाले परिवारों को मिल सकती है ज़्यादा सब्सिडी। एलपीजी सब्सिडी बंद होने से पहले सालाना 12 सिलेंडर पर रियायत दी जाती थी, अब इसको कम किया जा सकता है।